मेरा नाम कालमन सिंह परस्ते है जी। और मैं जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ। मैं इसी ग्राम पंचायत खाम से बिलोंग करता हूं और मेरा जनपदीय क्षेत्र आपका वार्ड क्रमांक 13 करवाही है। कौन कौन सी ग्राम पंचायत आती हैं आपकी? मेरा चालू होता है जैसे करवाही छवारी सला यहाँ बरहाई खाम, ये ग्राम पंचायत खाम है, मैं यहीं का निवासी हूं। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से एक विनम्र निवेदन है कि हम लोग जैसे जनपद सदस्य 4-5 पंचायत से चुनकर आते हैं और जब चुना जाता है तो जनता भी अपेक्षा रखती है कि उनके प्रति जो है तो जनपद सदस्य भी कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अभी पहली बार जब बने हम जनपद सदस्य तो देखा हमने कि 1450 रुपये मानदेय है महीने का जनपद सदस्यों का। तो बताइए 1450 रुपये में क्या करेगा वो? 4-5 पंचायत उसे भ्रमण भी करना है, देख रेख भी करना है और जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि ये हमारा काम होगा, वो काम है, कोई निर्माण कार्य होगा, लेकिन कोई भी ऐसा पावर नहीं दिया जनपद सदस्यों को कि वो कुछ करवा सकें। और जहां बात रही आपके जो साल में वित्त आता है तो वो भी नहीं आ पा रहा है, 3-4 साल हो गए। मतलब का क्या कितना आंकड़ा है? एक जैसे सरपंच के लिए तो कोई निर्धारित वित्त मानदेय नहीं है, विधायकों के लिए 10 लाख, सांसदों के लिए 2 करोड़, इस तरीके की चीज़ें हैं। जनपद सदस्यों के लिए कितना वित्तीय वर्ष में कितना वित्त का अनुदान? वो बताया गया है कि लगभग 4-5 लाख के आसपास है, लेकिन आज तक तो अभी हमने मिला नहीं। तो इसीलिए यही मेरा सबसे विनम्र आग्रह है कि हम लोग भी ज्ञापन भी दिए हैं जिला लेवल में, आंदोलन भी हाँ इसको लेकर, पर अभी तक कोई भी जो है तो हमारे जनपद सदस्य के प्रति जो है तो मुखिया जी का भी कोई भी मतलब दृष्टिकोण नहीं आया है कि ना तो कोई फैसला भी दिए हैं ना तो कोई बात दी है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। जैसे एक सरपंच हो गया ग्राम पंचायत का रहता है तो 4200 के आसपास उसका मानदेय है, लेकिन 1450 रुपये हमारे, आप सोचिए क्या हो सकता है। जनपद सदस्य है और बात रही मेरे क्षेत्र की तो आप जानते हैं रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि आपका आदिवासी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा बहुलता है और ये जंगल झाड़ी, एक तो पहली बात ज़मीन भी बहुत अच्छा नहीं है, है ना, अभी बीच में आपका ओला भी पड़ा था तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या है आयरा प्रथा, जो ये आवारा पशु हैं, इनकी व्यवस्था भी नहीं हुई है। मेरे मतलब कार्य क्षेत्र में जितने भी गौशाले भी जो भी बन रहे हैं वो 4-5 साल से बन ही रहे हैं, वो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ी हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं फोटो भी रखा हूँ उसका, तो कुछ भी नहीं है। तो इनकी व्यवस्था के लिए यहाँ नीचे के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा हो। बार बार हम लोग जो है तो इसके लिए आवेदन भी दिया के विधायक जी को दिए और सांसद जी को भी दिए कि इनकी व्यवस्था किया जाए, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो कम से कम 80% गांव में कहीं भी किसानी नहीं हुआ है, सिर्फ इनके वजह से, आवारा पशुओं की वजह से। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। हम थोड़ा सा आपके मुद्दे पर आते हैं, जैसे जो पूर्व के जनपद सदस्यों की हम बात करते हैं तो पूर्व के जनपद सदस्यों का एक मानदेय होता था, एक अनुदान होता था, प्लस उनको कुछ ज़्यादा सुविधाएं या ज़्यादा अधिकार थे। लेकिन जो वर्तमान के जनपद सदस्य हैं उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। जो आप लोगों ने आंदोलन किया था उस आंदोलन में आप लोगों की जो प्रमुख मांगें थीं तो उनमें आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि जो ग्राम पंचायत है तो जैसे सरपंच के लिए जो होते एक स्थान निर्धारित होता है तो जनपद सदस्यों के लिए भी वहाँ पर एक स्थान निर्धारित होना चाहिए। आपने मानदेय बढ़ाने को लेकर के भी बात की थी, तो ये सारी चीज़ों की आप लोगों की मांग थी। लेकिन क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों के अधिकारों को इतना सीमित कर दिया गया है? 4-5 ग्राम पंचायतें आपके अंतर्गत आती हैं लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में ना तो कोई निर्माण क्षेत्र आता है किसी भी क्षेत्र का और ना तो शायद निरीक्षण क्षेत्र भी आता है। तो आप लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं लेकिन ऐसे अधिकार को सीमित करने के पीछे की क्या मंशा हो सकती है?
अब यही है कि बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं तो ये व्यवस्था ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव ही खत्म कर दिया जाए। भाई जब कोई व्यवस्था नहीं है, आप बताइए, चार पांच पंचायत से पब्लिक भी आशा करती है, क्योंकि उसी माध्यम से जैसे सरपंच चुन के आता है, विधायक चुन के आता है ना, सांसद चुन के आते हैं, तो उनके पास वित्तीय वर्ष होता है, पावर भी होता है कुछ करवाने के लिए, ठीक है ना। तो जनपद सदस्य कोई भी पावर नहीं दिया गया है। इसी के माध्यम से हमारे जो है, तो जो भी संगठन है जनपद सदस्य संगठन, हम लोगों ने मांग की है, पाँच छः मांगे हम लोग प्रमुख रूप से हैं। कौन से प्रमुख मांगे थे? प्रमुख मांगे थे कि देखिए जो है तो मानदेय हम लोगों का बढ़ाया जाए, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये किया जाए, और 25 से 30 लाख रुपए का जो वित्तीय है उसको जो है तो बढ़ाया जाए, 25-30 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि साल भर में आप मान लीजिए 4-5 लाख रुपए दे ही देते हैं, उसको कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएं, पांच पंचायत है मान लीजिए हमारा, तो हम कहाँ 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 उसको इन्वेस्ट करेंगे, और साल भर में सिर्फ एक ही बार है। तो जनता जितनी अपेक्षा करती है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। इसी को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन कोई भी असर नहीं दिखा। हाँ, इसका असर दिखेगा आने वाले चुनाव में, हम लोग भी दिखाएंगे। जब कोई मतलब नहीं है तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जब कोई पावर नहीं दिया गया है तो ये व्यवस्था ही खत्म कर दिया है, ख़त्म कर दिया जाए, तो इसमें कोई आशावादी भी नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक भी आशा करती है। तो सरपंचों तो बिल्कुल कुछ काम करेंगे, जो एक पंचायत से सरपंच है उसको अब वित्तीय पावर बताइए, आप जो है तो एक निर्माण कार्य के लिए 20 से 25 लाख रुपये कर दिए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है, जनपद सदस्यों का कोई पावर नहीं है। और तो जो आपका ये क्षेत्र है, जो आपका जनपद क्षेत्र आता है, तो ये चूंकि जंगल विभाग की जमीनों पर लोग बसे हुए हैं, लगभग कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर भूमिहीन होंगे? भूमिहीन मेरे ख्याल से लगभग 10 से 15% के आसपास है भूमिहीन है, जो जंगल विभाग की जमीन, जंगल विभाग में है या फिर कुछ जो है तो मध्य प्रदेश शासन में है, ऐसे में है। और जो पूर्व में मुख्यमंत्री के द्वारा भूमिहीन योजना के तहत पट्टा देने की बात की गई थी, इस क्षेत्र में भी पट्टे वितरित किए गए? हाँ, वितरित किए गए हैं, कुछ लोगों को मिला है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी नहीं मिला है, अभी 2-3% लोगों को मिला है, अभी ज़्यादा बहुत से लोगों को नहीं मिला है। वास्तव में एक तो पहली बात इधर शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी है। शिक्षा कितना दूर, विद्यालय कितना दूर? शिक्षा का स्तर थोड़ा, विद्यालय तो हैं, विद्यालय मान लीजिए लगभग सभी ग्राम पंचायतों में है, लेकिन उस तरीके से शिक्षा में व्यवस्था नहीं है कि अच्छी शिक्षा जो है तो हमारे बच्चों को मिल जाएगी, ऐसी अभी व्यवस्था नहीं हुई है, अच्छे शिक्षक नहीं है और अच्छी तरीके से जो है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है,